कैसे आप लोग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले एक मूवी से रिगार्डिंग एक जो अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में। तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं, जो मूवी की अपडेट है उस मूवी का नाम है बच्चन पांडे। हाँ बात कर रहा हूँ मैं, स्टारर में अक्षय कुमार है सर। उसकी जो आप लोगों को पता होगा ये मूवी है तेलुगु मूवी जो वीरम आई थी उसकी ये मतलब की रीमेक मूवी है। पता नहीं बॉलीवुड को क्या हुआ, ओरिजिनल कंटेंट देखने को नहीं मिलती। मगर आप लोगों को मैं ये बता दूं जरूर, अगर आप ओटीटी पे ध्यान देते होंगे तो ओटीटी पे काफी अच्छी कंटेंट अभी जो आ रही है इंडियन इंडस्ट्री में, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट वहां देखने को मिल रहे हैं। बाकी तो ये लोग खुद खेल रहे हैं कि क्या ना क्या करेंगे बोल के, जिसके कारण हमें रीमेक पे रीमेक देखने को मिल रहा है। और मतलब कि जो एक्टर है वही डायरेक्टर इसी टाइप से अपने में मिलजुल के जो काम चला रहे हैं, हमें कोई अच्छी फिल्म देखने को नहीं मिली है। तो इसको साइड रखते हैं और बात करते हैं जिस मूवी की रिकॉर्डिंग जो अपडेट्स निकल के आई है उसके बारे में। तो भाई जिस मूवी की जो ट्रेलर निकल के आ रही है ना, वो अब आने वाली 18 फरवरी को। इससे पहले जो न्यूज आई थी कि ये मूवी की जो ट्रेलर है उसे 9 तारीख को निकाला जाएगा इसी फरवरी में, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसी दिन थोड़ी सी मतलब कि 10 तारीख को ये निकल के आई कि हीरोपंती 2 जो आने वाली है इसकी थोड़ी सी पोस्टर निकल के आई कि ईद के दिन इसकी जो फिल्म की रिलीजिंग डेट है। उसके बाद में हम लोग मतलब ट्वीट करते रहे कि क्या होगा, कुछ तो अपडेट दीजिए सर इसके बारे में साजिद नरेवाला से। पर फिलहाल ही अभी कुछ समय पहले ही अपडेट निकल के आई है कि इस मूवी को जो बच्चन पांडे है, इस मूवी का जो ट्रेलर है उसे 18 तारीख को रिलीज किया जाएगा इसी मंथ के, यानी आज 15 तारीख है तो 16, 17, 18 पर ट्रेलर है वो हमारे पास आ जाएगी। जो हमें काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये मूवी की जो ट्रेलर होगी और ये मूवी काफी अच्छी होगी, क्योंकि जो अक्षय कुमार स्टार में फिल्म होते हैं वो काफी बेहतरीन मूवी होती है। तो अब देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं सूर्यवंशी की तरह जो ऑडियंस उसे पुल कर पाएगी कि नहीं इस मूवी को। फिलहाल इसका ट्रेलर देखने के बाद ही हम बताएंगे कि फिल्म कैसी होगी, उसका रिव्यू तो मैं जरूर करूंगा आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे चैनल दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय।